देश स्तर पर जो काम हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, वो चीजें लोगों को पसंद आ रही हैं। और भाजपा में तो मेरे ख्याल से सिर्फ मूर्तियां लगाने के अलावा और कोई काम यहाँ नहीं है। समझदारी से देखा जाए तो बदलाव की लहर तो जरूरी है। बदलाव रहेगा, यहाँ भी बदलाव रहेगा। पिछली बार माननीय नेताजी की डेथ के बाद जो यहाँ चुनाव हुए तो श्रद्धांजलि वोट दिया गया यहाँ प्रॉपर, क्योंकि लोगों को पसंद आ रहा है। भारत में जो राजनीति चल रही है अभी, वो राजनीति भा रही है। देश स्तर पर जो काम हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, वो चीजें लोगों को पसंद आ रही हैं, तो ये सब अच्छा है। और मैं तो चाहता हूँ कि इस बार फिर से भाजपा सरकार बने और देश हित में जो काम हो रहे हैं, भारत का नाम जो पूरी दुनिया में छा रहा है, वो धीरे धीरे इसी स्तर पर एक ऐसी ऊंचाई पर जाए जो भारत विश्व में बड़ी शक्ति बनकर आए। महंगाई, बेरोजगारी और ये तमाम मुद्दे वो हर सरकार में होता है, ये कोई मुद्दा नहीं होता। वो हर सरकार में कहीं ना कहीं, कहीं ज्यादा महंगाई होती है, कहीं कम। तो पेपर लीक हाँ, ये एक बड़ी समस्या है, लेकिन हो सकता है किसी पार्टी के दबाव। पिछले चुनाव में और इस बार चुनाव में जमीन आसमान का अंतर रहेगा। पिछली बार माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनके थोड़े से सहानुभूति गई। उन्होंने मैनपुरी से काफ़ी समय से जुड़े हुए रहे, वो तो इस वजह से पब्लिक ने उनको सपोर्ट किया, वोट दिया। लेकिन इस बार जो है काफ़ी बदलाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि योगी जी की जो है पॉलिसी जो चल रही है जीरो क्राइम वाली, उससे आम पब्लिक को जो है बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि है। ठेला ठेली वाले आम आदमी जो काम करते हैं वो सुकून से रह रहे हैं। चोर लूटपाट और जो है जितने क्राइम हो रहे थे उस पर काफ़ी अंकुश लगा है, इसलिए आम पब्लिक का मूड जो है इस बार मैनपुरी से सोच रहे हैं कि छात्रों की भलाई होनी चाहिए, उसमें वोट देंगे। जहाँ पे सभी छात्रों का साथ दिया जाए, किसी का भी कोई अहित ना हो, सभी लोग साथ में रहें और किसी को भी अच्छे से विकास हो, जो विकास करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। और भाजपा में तो मेरे ख्याल से सिर्फ मूर्तियां लगाने के अलावा और कोई काम यहाँ नहीं हुआ। बैकवर्ड का जो समाज है वो काफ़ी हद तक इन लोगों से संतुष्ट है। सपा वालों की जो अभी इन्होंने पीडीए वाला चलाया या जो भी मुद्दे रहे उन पर काफ़ी संतुष्ट है और वो समाजवादी पार्टी को भी भाजपा का कैसा कैंडिडेट आए जो टक्कर दे सकता है? लगता है कोई टक्कर देने वाला आ सकता है? भाजपा से कोई भी आए, आपने पिछले जो भी नतीजे देखे होंगे, लाख दो लाख से जीत कभी यहाँ पे कम नहीं रही। मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी को भी उतारने यहाँ पे कोई। वो तो दावा ठोंक रहे हैं कि इस बार तो ले ही लेंगे। दावे तो उन्होंने काफी किए, किन काफी दावों पे वो खड़े नहीं उतरे, दावे तो काफी करते रहे। बीजेपी का रहा कि जब बीजेपी अगर कैंडिडेट टाइम से उतार देंगे तो ऐसा नहीं है कि कांटे की टक्कर भी होगी। और रहा सवाल ये है कि सपा की परंपरा अगर सीट रही है तो कांटे की टक्कर भी रहेगी, ऐसा नहीं। अगर बीजेपी कैंडिडेट जल्दी उतारती है तो एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। मैं तो अभी तक जो मैनपुरी की जनता समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में उनके परिवार के किसी न किसी व्यक्ति को चुनती चली आ रही है लगातार, उसका कारण ये भी है कि उनका जनता के साथ डायरेक्ट वो भी रहता है, लगाव भी है, भाई जनता से मिलते भी रहते हैं। अच्छा, बीजेपी का एक ये है कि कैंडिडेट एंड टाइम पे वो उतारते हैं जो जनता में सामंजस्य नहीं बना पाते। तो क्या इस बार जो कैंडिडेट की भी बात है और सामंजस्य की भी बात बता दी आपने, तो इन दोनों के अलावा भी कोई तीसरी बात ऐसी हो सकती है कि कास्टिज्म पर चुनाव जा सकता है या और कोई मुद्दे पर चुनाव? रहा मोदी जी का इस समय देश में नाम है और मोदी जी के उस पर हर व्यक्ति को इस समय वो करना पड़ रहा है कि मोदी जी ने कार्य कराया है देश में, तो मोदी लहर भी है। मोदी लहर भी है, मोदी लहर का असर दिखाई देगा। मोदी लहर का असर दिखाई देगा। यहाँ पर जो है लहर तो वैसे मोदी जी की चल रही है, लेकिन यहाँ पर जो सीट है वो मुलायम सिंह की प्रतिष्ठित सीट रही है और हो सकता है डिम्पल यादव भारी बहुमत से जीत कर जाए। मतलब जो परंपरा का सीट रही है उस सीट को जो बीजेपी दावा ठोंक रही है कि इस बार हम ले लेंगे, नहीं ले पाएगी। क्यों? जनता का रुझान है वो मुलायम सिंह परिवार के प्रति अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो भी प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से आया है वो यहाँ पर करारी हार होके उसकी, अगर प्रत्याशी कोई बहुत अच्छा दे दिया जाता है तब क्या हो? कोई भी आए, लेकिन यहाँ पर डिम्पल यादव मुलायम सिंह परिवार की अपेक्षा यहाँ पर खड़ा कोई नहीं। पूरे देश में ही दिखाई दे रहा है, आज चुनाव आयोग भी घोषणा करेगा तिथियों की। क्या लग रहा है इस बार मैनपुरी की जो परंपरागत सीट है वहाँ जनता ठहराव करेगी या बदलाव? नहीं, लग तो यही रहा है कि मैनपुरी की जो परंपरागत सीट है जनता उसी पे ठहरेगी, क्योंकि अभी कोई ऐसा चेहरा उभर के सामने नहीं आया है
जो किसी दूसरी पार्टी का उभर के सामने आया, जिसको जनता अपने अपने अपना मान सके। तो इसलिए अभी तक तो यही लगता है कि जो अभी तक चला आ रहा है, जो परंपरा चली आ रही है, उसी परंपरा पे मैनपुरी की जनता। मोदी जी हैट्रिक की बात कर रहे हैं, हाँ, और योगी जी यूपी की 80 सीटें उनको देने की बात कर रहे हैं, जिसमें मैनपुरी भी सम्मिलित है जी। क्या लग रहा है आपको, किन किन मुद्दों के आधार पर वो कह रहे हैं? देखिए, मुद्दा तो सबसे बड़ा यही है कि हम चूंकि एक प्रजातांत्रिक देश में और एक धार्मिक और सांस्कृतिक देश में रहते हैं, तो धर्म और संस्कृति के नाम पे तो आप किसी को भी बहला सकते हैं और चला सकते हैं। तो इसलिए जो हमारे योगी जी और मोदी जी हैं, इस दिशा में ले जाते हुए जनता को जरूर वो कर सकते हैं कि हाँ, ये तीसरी बार आने के इनके चांसेस बन जाए। लेकिन अगर समझदारी से देखा जाए तो बदलाव की लहर तो जरूरी है, क्योंकि जनता दो बार से देख चुकी है कि क्या हाल है। लेकिन अगर बदलाव होता है तो अप्रिशिएटिंग है, और नहीं होता है तो फिर भी हमारे लिए तो प्रधानमंत्री हैं। ये बात मैनपुरी की जनता पर भी अप्लाई होती है, बदलाव जरूरी है, और मैनपुरी की जनता लगातार उन्हीं को देखती चली आ रही है, परंपरागत सीट पर वोट करती आ रही है। हाँ, नहीं, मैनपुरी की जनता पर भी ये बात लागू होती है, अगर जनता चाहेगी तो जरूर बदलाव लाएगी। जैसे अभी आपका मूड क्या है, आप किन मुद्दों पर वोट करने वाली हैं? नहीं, मैं तो देखिए, मुद्दा तो वही होता है कि एक आम जनता के लिए जो जरूरी चीजें हैं, अगर वो मुहैया होती हैं और हमारा सांसद हमारे बीच में रह के हमारी सुनता है, तो उसी मुद्दे पे वोट किया जाएगा। क्योंकि आप जिस जगह से जिस सांसद को चुनते हैं, वो सांसद अगर आपके पास आता ही साल में एक बार है, आपकी सुनता ही नहीं है, जीत के चला गया और उसके बाद नहीं लौट के आता है, तो यही एक मेन मुद्दा होता है कि जो खास मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा और मकान, व्यक्ति को आसानी से सुविधा इसकी उपलब्ध होती है और हमारी सुनने वाला होता है। महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात में, महिला सुरक्षा के नाम पे तो देखिए अब तो बहुत कुछ हो रहा है। मैं इस बात के लिए अप्रिशिएट करती हूँ कि महिला सुरक्षा के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है, और तो महिलाएं भी इतनी सक्षम हो रही हैं कि वो अपनी सुरक्षा अपने आप कर सकती है, किसी की जरूरत नहीं।